नमस्कार, आज हम माइकलसन इंटरफेरोमीटर के बारे में देखेंगे। इस व्यतिकरण मापी में एक वर्णी विस्तृत प्रकाश स्रोत से आने वाली समानांतर प्रकाश किरण पुंज को 45 डिग्री कोण पर स्थित एक कांच की समतल प्लेट पर आपतित कराकर परावर्तित तथा अपवर्तित किरणों में विभाजित किया जाता है। दोनों किरणें एक दूसरे के लंबवत गमन करती हैं और इन्हें इनकी दिशा के लंबवत स्थित दर्पणों से परावर्तित कराकर एक दूसरे पर अध्यारोपित कराया जाता है। इनके व्यतिकरण से उत्पन्न फ्रिंजों को दूरदर्शी द्वारा देखा जा सकता है। उपकरण क्या है? इस उपकरण को चित्र में दिखाया गया है। ऐसे एक विस्तृत प्रकाश स्रोत उत्तल लेंस एल के फोकल तल में स्थित होता है, जिससे समानांतर किरण पुंज प्राप्त होता है। लेंस से निर्गत समानांतर किरण पुंज 45 डिग्री पर झुके एक समान प्रकाशीय समतल कांच की प्लेट पी पर आपतित होता है। ये जो कांच की प्लेट पी दिखाई गई है, इस प्लेट पर आपतित होता है। समान मोटाई समान पदार्थ तथा प्रकाशीय समतल एक अन्य कांच की प्लेट सी प्लेट पी के समानांतर पारगमित किरणों के मार्ग में रखी जाती है। इसे कंपनसेटरी प्लेट भी कहते हैं। प्लेट सी की ओर के प्लेट पी के पृष्ठ, ये जो पी का ये वाला पृष्ठ है, इसको हाफ सिल्वर्ड कराया जाता है। प्लेट में से परावर्तित तथा पारगमित किरणें क्रमशः समतल दर्पण M1 और M2 की ओर मूव होती है। M1 तथा M2 समतल दर्पण एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। ये दर्पण और ये दर्पण दोनों जो हैं एक दूसरे के लंबवत स्थित होते हैं। M1 M2 दर्पण इन दर्पणों को इनके पीछे लगे पेच AB के द्वारा ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज तल में समायोजित किया जाता है। इनके जो पीछे पेच लगे हैं, इनसे इनको अपन समायोजित कर सकते हैं। दर्पण M2 स्थिर होता है, दर्पण M2 स्थिर तथा दूसरा दर्पण M1 एक गतिमान प्लेटफॉर्म पर रखा होता है, जिसे एक उत्तम पेच जिसका चूड़ी अंतराल 10^-7 मीटर की कोटि का होता है द्वारा खिसकाया जा सकता है। इस दर्पण को ये अपन इसको मूव कर सकते हैं इस स्क्रू की सहायता से और आगे पीछे कर सकते हैं। इस समायोजन से प्राप्त व्यतिकरण फ्रिंजों को दूरदर्शी टी के द्वारा देखा जा सकता है। यहाँ पे ये दूरदर्शी के द्वारा अपन इसको देख सकते हैं। कार्यविधि क्या है? एक वर्णी विस्तृत प्रकाश स्रोत एस से आने वाले प्रकाश लेंस एस एल से अपवर्तन के पश्चात समानांतर किरण पुंज के रूप में प्राप्त होता है। यह किरण पुंज जब अर्धरजत प्लेट पी पर आपतित होता है तो आयाम विभाजन से इसका आधा भाग परावर्तित तथा शेष भाग अपवर्तित हो जाता है। परावर्तित किरण M1 की ओर तथा अपवर्तित किरण दर्पण M2 की ओर गति करती है। ये किरणें दर्पण M1 व M2 से उसी दिशा में परावर्तित होकर तथा प्लेट पी को पार कर OT मार्ग पर अध्यारोपित होती हैं। ये दोनों किरणें एक ही प्रकाश किरण से प्राप्त होती हैं, अतः कला संबद्ध होती हैं। अध्यारोपण के पश्चात ये व्यतिकरण फ्रिंजें उत्पन्न करती हैं, जिन्हें दूरदर्शी के द्वारा देखा जा सकता है। प्रतिकारी प्लेट का कार्य प्लेट सी की अनुपस्थिति में परावर्तित किरण प्लेट पी से होकर दो बार गुजरती है, जबकि अपवर्तित किरण एक बार गुजरती है। इसलिए OM1 = OM2 दूरी बराबर होने के बावजूद भी परावर्तित किरण तथा अपवर्तित किरण के प्रकाशीय पथ बराबर नहीं होते हैं। दोनों किरणों के प्रकाशीय पथों को बराबर करने के लिए अपवर्तित किरण के पथ में प्लेट पी के समान मोटाई समान पदार्थ तथा समान कोण पर झुकी हुई एक अन्य प्लेट सी रखी जाती है। इस प्लेट को कंपनसेटरी प्लेट कहते हैं। इस प्रकार प्रतिकारी व प्लेट पर परावर्तित होने के कारण प्रकाशीय पथ को बराबर करने का कार्य करती है।
फ्रिंजों का रूप। इस व्यतिकरण मापी में फ्रिंजों का रूप दर्पण M1 व M2 के मध्य झुकाव कोण पर निर्भर करता है, जिसे चित्र द्वारा समझाया जा सकता है। माना प्लेट P के पृष्ठ O द्वारा निर्मित दर्पण M2 का प्रतिबिंब M2' है। ये M2' इसका प्रतिबिंब है M2 मिरर का। इस प्रकार दूरदर्शी द्वारा दिखाई पड़ने वाले व्यतिकरण प्रतिरूप दर्पण M1 व M2' में बनी पतली वायु फिल्म से परावर्तित किरणों के द्वारा बना हुआ माना जा सकता है। इसलिए व्यतिकरण फ्रिंजों की आकृति M1 व M2 के बीच बनी वायु फिल्म की प्रकृति पर निर्भर करती है। वृत्ताकार फ्रिंजों की व्याख्या। जब दर्पण M1 तथा M2 परस्पर लंबवत होते हैं तो दर्पण M1 तथा M कांच की प्लेट P द्वारा दर्पण M2 के बने प्रतिबिंब के बीच समान मोटाई की काल्पनिक वायु फिल्म बनती है। यदि इस वायु फिल्म की मोटाई D है तो दर्पण M1 व M2 से परावर्तन के बाद दूरदर्शी T पर पहुंचने वाले प्रकाश किरणें स्रोत S के प्रतिबिंब S1' व S2' से समानांतर आती हुई प्रतीत होती है। जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है कि एक किरण यहाँ से गई, ये परावर्तित होकर यहाँ जा रही है, तो ये ऐसा लगता है जैसे S2' से आ रही है, और दूसरी किरण यहाँ तक गई तो ये ऐसा लगता है जैसे S1' से आ रही है। S1' व S2' से आती हुई प्रतीत होंगी तथा S1' व S2' के मध्य दूरी 2D के बराबर होगी। यदि ये किरणें अभिलंब से थीटा कोण बनाते हुए समानांतर आती हैं तो उनके मध्य पथांतर 2D cos थीटा होगा। हम जानते हैं कि जब एक किरण सघन माध्यम से तथा दूसरी किरण विरल माध्यम से परावर्तित होती है तो उनमें पाई कला या λ/2 का पथांतर आया था, तो प्रभावी पथांतर का मान हो जाएगा 2D cos थीटा माइनस λ/2। यदि प्रभावी पथांतर nλ के बराबर होता है तो हमारे पास में प्रदीप फ्रिंज प्राप्त होती है, दैट इज 2D cos थीटा माइनस λ/2 इज इक्वल टू nλ, या 2D cos थीटा इज इक्वल टू n+ ½λ। थीटा अनति के वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं पर यही स्थिति होगी तथा प्रदीप फ्रिंज वृत्ताकार दिखाई देगी। यदि प्रभावी पथांतर 2D cos थीटा माइनस λ/2 2n-1 λ/2 के बराबर है तो अपने पास में, या 2D cos थीटा इज इक्वल टू n λ है, तो थीटा अनति के वृत्त पर स्थित सभी बिंदुओं पर यही स्थिति होगी और अधिक वृत्ताकार फ्रिंज प्राप्त होगी। फ्रिंजों की त्रिज्या। माना nवी फ्रिंज की त्रिज्या Rn है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है, और OT बराबर D है, तो tan थीटा n बराबर Rn अपॉन कैपिटल D हो जाएगा, या Rn इज इक्वल टू D tan थीटा हो जाएगा। और अधिक फ्रिंज के लिए अपन जानते हैं 2D cos थीटा n इज इक्वल टू nλ होता है, तो cos थीटा n बराबर nλ अपॉन 2D हो जाएगा। तो अधिक फ्रिंज की त्रिज्या अपने पास में आ जाएगी Rn इज इक्वल टू D cos और tan के रिलेशन से √4D² / n² λ² -1। और इसी प्रकार से प्रदीप फ्रिंज की त्रिज्या अपने पास में आ जाएगी Rn इज इक्वल टू D √4D² / n+ ½² λ² -1। उपरोक्त समीकरणों से स्पष्ट है कि क्रमांक n के वृद्धि होने से फ्रिंज की त्रिज्या घटती है, और केंद्रीय फ्रिंज के लिए थीटा इज इक्वल टू 0 और Rn इज इक्वल टू 0 होने पर n का मान अनंत होगा और ये फ्रिंज अदीप्त दिखाई देगी। स्थानीय फ्रिंजों की व्याख्या। जब दर्पण M1 व M2 परस्पर लंबवत नहीं होते हैं तो दर्पण M2, M1 तथा प्लेट P पर दर्पण M2 के बने प्रतिबिंब M2' के बीच आभासी फनाकार वायु की फिल्म होती है। M2 व इसके प्रतिबिंब M2 की डैश की भिन्न भिन्न स्थितियों पर भिन्न भिन्न आकृति की समान मोटाई की स्थानीय फ्रिंजें बनती हैं। इन फ्रिंजों की आकृतियों की सहायता से माइकलसन व्यतिकरण मापी को वृत्ताकार फ्रिंजों के लिए समायोजित किया जाता है। और ये जो फैन की धार होती है उस धार की ओर वक्रता लिए हुए होती है। अगर ये बिल्कुल इस तरह से होती है, क्रॉस करती हैं, तो स्ट्रेट लाइन फ्रिंजें बनती हैं, और यहाँ पर फैन की धार की त्रिज्या इस तरफ है तो फैन की धार की तरफ ये कर्वेचर लिए हुए होती है। थैंक यू।